इंशाल्लाह इंशाल्लाह हैप्पी एंडिंग होगा, क्यों नहीं होगा। और अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ तो फिर शायद पेरिमेंट टू आ जाए, यू नेवर नो। Assalamualaikum viewers, welcome to our news channel. So viewers, आज की इस वीडियो में हम आपको शोबिस इंडस्ट्री की क्वीन एंड द किंग के बारे में बताएंगे, यानी कि यमुना ज़ैदी जो कि इस वक्त करोड़ों दिलों को जीत चुकी हैं, वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया, इंडोनेशिया और दीगर कई ममालिक में अपने ड्रामा तेरे बिन की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर हो चुकी है और बहुत ज्यादा अपने फैंस इकट्ठे कर चुकी है। यही क्वीन ऑफ द शोबिस इंडस्ट्री यानी कि वहाज अली भी जैसा कि बहुत ज्यादा कामयाबी की सुर्खियों पर है, यही इनके ड्रामा तेरे बिन के बहुत ज्यादा हिट हो जाने के बाद फैंस के लिए एक बहुत ही ज्यादा बड़ी खुशखबरी है कि इनका एक और नया ड्रामा आ रहा है जिसका प्रोमो शेयर कर दिया गया है। इस ड्रामे के प्रोमो में दोनों को एक साथ दिखाया जा रहा है, दोनों बिल्कुल तेरे बिन ड्रामे की तरह ही खुश और एक साथ नजर आ रहे हैं। यही यमुना ज़ैदी ने इस प्रोमो के अंदर व्हाइट कलर का जिस तरह से ड्रेस पहना हुआ है वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है, और यहाँ पर चीज दिखाई जा रही है प्रोमो में कि उनकी यहाँ पर मेहंदी की रस्म की जा रही है। वहाज अली भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने सफेद रंग की शलवार कमीज पहनी हुई है और गले में पीले रंग की चुनरी। इनका ये ड्रामा इनको मजीद तौर पर और भी ज्यादा कामयाब कर देगा क्योंकि दोनों एक साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। यही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अब्दुल्ला खानवी ने इनको एक दफा फिर से ऑन स्क्रीन चूज कर लिया, और इनके पहले ड्रामे के खत्म हो जाने के फौरन बाद से अब ये दोनों अपने नए ड्रामे की शूटिंग में बिजी है। बताते चले आपको वहाज अली के बारे में, तो इनका एक और ड्रामा यानी कि जो आयजा खान के साथ भी आने वाला है। सो व्यूवर्स, आपको ये खुशखबरी जान के कैसा लगा? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई कि इन्हें एक दफा फिर से स्क्रीन पर हम देख सकेंगे। आप बताइएगा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।